एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह एवं आरटीओ अनिता सिंह के संयुक्त नेतृत्व में महानगर के तरंग क्रॉसिंग तथा यातायात तिराहे पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 42 डीजल चालित काले ऑटो रिक्शा जो बिना परमिट एवं फिटनेस के चल रहे थे, उनके विरुद्ध एमवी एक्ट के नियमानुसार कार्रवाई की गई तथा बिना नंबर प्लेट के 70 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि एसपी ट्रैफिक ने बिना नंबर के वाहन पर चल रहे पुलिसकर्मी का भी चालान किया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग एवं ट्रैफिक पुलिस द्वारा टीम गठित कर महानगर में संयुक्त रूप से डीजल चालित ऑटो रिक्शा बिना सिक्योरिटी नंबर प्लेट के संबंध में चेकिंग अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि चेकिंग के साथ लोगों को जागरूक भी किया गया। जो लोग अभी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाए हैं, वो जल्द से जल्द लगवा लें। चेकिंग के दौरान बहुत से लोग बिना हेलमेट के पाए गए तथा हेलमेट पास रहने के बावजूद भी हेलमेट नहीं लगाए। उन्हें बताया गया कि हेलमेट अवश्य लगाएं, इससे दुर्घटना होने पर जान बच सकती है। उन्होंने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है। लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा करने और जागरूकता के उद्देश्य से गाड़ियों पर आज़ादी के अमृत महोत्सव से संबंधित स्टिकर लगाया गया है। वाहन चेकिंग के दौरान एआरटीओ बीके सिंह, एआरटीओ संजय झा, यातायात निरीक्षक मनोज कुमार राय, यातायात निरीक्षक अजीत कुमार पांडे सहित ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा,
ये इसी बात का चेकिंग चल रहा है, ये साइलेंसर है। आज परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर टीमें गठित कर संयुक्त रूप से डीजल चालित ऑटो रिक्शा तथा फॉल्टी नंबर प्लेट के संबंध में चेकिंग की कार्रवाई की गई। चेकिंग के दौरान कार्रवाई के साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया गया कि जो HSRP नहीं लगाए हैं वो लोग हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगा लें। तमाम लोग हमने ऐसे देखे जो कि हेलमेट सर पे रखे थे परंतु उसको बांधे हुए नहीं थे, इससे हेलमेट का कोई औचित्य लगाने का नहीं बनता है। उनको समझाया गया कि हेलमेट को अवश्य लगाएं और आपका जो टू व्हीलर है वो आपको कहीं आने जाने के लिए है, वो कोई मालवाहक वाहन नहीं है कि उसमें आप इतना सारा सामान ले जा रहे हैं जो 3 मीटर आगे निकला हुआ है और 2 मीटर पीछे छड़ निकली हुई है बाइक पे, तो इन चीज़ों से भी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। तो परिवर्तन की कार्रवाई के साथ साथ लोगों को जागरूकता अभियान चलाया गया और एक संदेश दिया गया कि सब लोग IMB एक्ट के अंतर्गत नियमों का पालन करते हुए ही वाहन को चलाएं और सुरक्षित रहें। सर स्टिकर भी लगाए गए गाड़ियों पर, स्टिकर परिवहन विभाग के सौजन्य से आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम लोग इस समय मना रहे हैं उसमें लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए और जागरूकता के संबंध में विभिन्न गाड़ियों पर आज़ादी के अमृत महोत्सव से संबंधित स्टिकर लगाया गया।